सवाल कुछ हो गया क्या सर? आज आप छापेमारी करने के लिए आए हैं, क्या मामला है ये? एक्चुअली मेरे को रात को 10-11 बजे एक वीडियो वायरल हुआ था और रात को मिला मेरे को, सुबह फ़ोन आया था कि जैसे से पनीर की सब्ज़ी के अंदर एक मरा हुआ चूहे का बच्चा है, वो मिला है। तो मैंने वो वीडियो देखा, मैंने आते ही अभी इसको आज इसकी रेस्टोरेंट की, ये सेनाई के नाम से रेस्टोरेंट है, इसकी इंस्पेक्शन की पूरी और हर चीज़ को, इनके प्रोडक्ट्स को, इनके उनकी जो सब्जियां दाल बनाई हुई है वो रॉ मटेरियल, इसकी स्टोरेज सिस्टम, फ्रीजेस, टेम्परेचर और सारी इनके जितने मैंने जांच पड़ताल करने के बाद में मैंने देखा कि बहुत लापरवाही बरती जा रही है यहाँ पर। काफ़ी है इंसेक्ट्स हैं, वो घूम रहे हैं आटे के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के अंदर सफाई नहीं है, जिस कंटेनर्स के अंदर सामान रखा हुआ है वो भी साफ़ सुथरे नहीं है और इस प्रकार काफ़ी लापरवाही है। ज़्यादा लापरवाही इसकी है जो हाइजीन कंडीशंस, सैनिटरी कंडीशंस, क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ, कोई पता नहीं है इनको कि खाने पीने की के पास साबुन रखी हुई है, वो भी एक बहुत सीरियस मैटर है, वो भी मैंने जांच किया है। और इनके बर्तन वगैरह देखे हैं, वो भी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है जिनमें खाना बनाया जा रहा है। कंटेनर्स भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सारा इनका रेस्टोरेंट करके और मैंने जो सामान मेरे को लगा कि ये ख़राब है उसको मैंने मौके पर भी डिस्ट्रॉय करवाया और उसके बाद में ये इनके नमूने लिए हैं। मैंने एक आटे के इंसेक्ट चल रहे हैं, आटे का नमूना लिया है और एक पनीर का नमूना लिया है और एक है टोमेटो सॉस का, तीन मैंने नमूने लिए हैं। और सारे रेस्टोरेंट की जितना ख़राब सामान है वो फेंकवा के, सारे फ्रीजेस हैं वो मैंने अपने सामने साफ़ करवाए, इनको लेबर लगी हुई है, अभी मैं दोबारा जांच करूँगा साफ़ करने होने के बाद में। और इन नमूनों को अभी चंडीगढ़ भेज देंगे जांच के लिए, लेबोरेटरी में हरियाणा गवर्नमेंट की जो लैब है चंडीगढ़, उसमें भेजे जाएंगे, थोड़ी सी देर में ही चले जाएंगे। और इनके खिलाफ जो है लाइसेंस है इन्होंने अप्लाई कर रखा है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिला है, अभी इशू नहीं है या क्या है वो देख लेंगे, चीज़ है, लेकिन अप्लाई इन्होंने कर रखा है, वो मैंने रेफरेंस नंबर इनका ले लिया है। और इनके खिलाफ नमूना की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको हिदायत भी दी है, इनको एजुकेशन भी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही ना करें, अपने सामान को वेल मैनेज तरीके से, इसके अपने फ्रिज के टेम्परेचर देखो, सामान खाद्य पदार्थ कहाँ रखना है और नॉन फूड कहाँ रखना है और इन प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी हेल्थ एजुकेशन वगैरह दी है। और नमूने मैंने सील कर दिए, नमूने सील कर रहा है, आप देख सकते हैं ये नमूने अभी सील किए, नमूने सील करके लेबोरेटरी में भेजे जा रहे हैं और काफ़ी ये लापरवाही का मामला इनका है तो इनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।